भारत में ऐसे हजारों रहस्यमय मंदिर है जहां आज भी ऐसा रहस्य छुपा है जिन्हें कोई समझ नहीं पाता। भारत में ऐसे कई शिव मंदिर होंगे जो इतने पुराने और इतने रहस्य छुपे होते हैं जिन्हें जाना बहुत ही मुश्किल है। आज हम आपको ऐसे ही एक रहस्यमय शिव मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आपने कहीं पढ़ा होगा। शिव जी का रहस्यमय मंदिर, ये एक ऐसा शिव मंदिर है जहां 16 साल से एक नाग सुबह सबसे पहले पूजा करता है। आज तक कोई नहीं जान पा रहा है इस रहस्यमय बात को कि क्यों और कैसे ये नाग देवता सबसे पहले शिव जी की पूजा करते हैं। भारत में सर्प को नाग देवता माना जाता है और शिव जी का एक रूप भी मानते हैं लोग। दूसरे देशों के मीडिया वाले भारत को बदनाम करने के लिए भारत के मंदिरों और सर्प सपेरों के बारे में या भारत की गरीबी के बारे में झूठी खबर फैला कर भारत को बदनाम करते रहते हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा रहस्य छुपे हैं जिन्हें वो भी आज तक जान नहीं पाए। भारत की रहस्यमय बातों को जानने में कई देश जुड़े रहते हैं लेकिन पूरा सच जान नहीं पाते, इसलिए वो शायद भारत को बदनाम करने में लगे रहते हैं। तो आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में जहां एक रहस्य छुपा हुआ है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में गाँव है जिनका नाम सलेमा बाद है। ये मंदिर जिनकी हम बात कर रहे हैं वो सलेमाबाद में स्थित है। ये एक ऐसा शिव मंदिर है जहां नाग देवता के बारे में लोगों को एक चमत्कारिक आस्था है। पिछले 16 सालों से एक नाग इस मंदिर में शिव जी के दर्शन के लिए नियमित रूप से आता है और पूजा दर्शन करके चला जाता है। इस मंदिर के पुजारी और गाँव के लोगों का कहना है कि ये नाग करीब 5 घंटे तक शिव जी के समीप बैठकर पूजा करता है और फिर चला जाता है। लोगों का कहना है कि इस मंदिर में नाग सुबह 10 बजे आता है और पूरे 5 घंटे तक दोपहर के 3 बजे तक शिव जी की पूजा करता है और फिर चले जाता है। इस समय के दौरान मंदिर में लोगों के लिए दर्शन रोक दिए जाते हैं और किसी को इस समय मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती। कोई भी इस 5 घंटे मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है और यहाँ दूर दूर से लोग अपनी श्रद्धा से दर्शन के लिए आते हैं। जब से लोगों को पता चला है कि यहाँ एक नाग देवता शिव जी की पूजा करता है तब से इस मंदिर की प्रतिबद्धता और कीर्ति बढ़ गई है और हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं। पिछले 16 साल से ऐसा हो रहा है कि एक नाग स्वयं 5 घंटे शिव जी की पूजा करता है और शिवलिंग के ऊपर चढ़े दूध का प्रसाद ग्रहण करके चला जाता है। लोग मानते हैं कि ये नाग एक देवता का ही अवतार है और शिव जी की पूजा करने आता है। वहाँ के स्थानीय लोगों का तो ऐसा भी मानना है कि ये नाग वही नाग है जो शिव जी के गले में रहता है, इसलिए ये नाग किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचता और लोग इसे बहुत श्रद्धा से नाग देवता मानते हैं। किसी को इस नाग का भय भी नहीं रहता क्योंकि 16 साल में कभी भी इस नाग ने किसी भी मनुष्य को हानि नहीं पहुंचाई। हालांकि आज तक सबको ये एक आश्चर्य की बात लगती है कि एक नाग कैसे रोज शिव जी की पूजा के लिए आ जाता है और वो भी पूरे 5 घंटे तक पूजा करता है। यदि आप भी एक शिव भक्त है तो आपको भी एक बार इस मंदिर के दर्शन के लिए जरूर जाना चाहिए। ऐसे चमत्कारिक मंदिर में शिव जी का साक्षात रूप होता है और अपने भक्त को कभी निराश नहीं होना पड़ता।